जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ आईएएस 20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। दोस्तों यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का सेकंड नंबर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो दोस्तों हम इसी यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसको देख लीजिए। इसके बाद ये दूसरा इसका पार्ट लेकर के इसमें हम आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, प्रकाश के बारे में जानते हैं, लाइट के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है वो स्रोत क्या है, पृथ्वी में प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। और दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है दोस्तों, वह सौर स्पेक्ट्रम के रूप में हमें प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? सौर स्पेक्ट्रम। और दोस्तों सौर स्पेक्ट्रम जो होता है, सौर स्पेक्ट्रम ये कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर लंबी रेंज होती है, लॉन्ग रेंज, और इसके अलावा दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल रेज आती है सूरज से, और इसके अलावा दोस्तों सूक्ष्म यानी कि माइक्रोवेव विकिरण यहाँ पर आते हैं पृथ्वी में, ठीक है। तो लॉन्ग रेज आती है, और इसके अलावा विजुअल रेज और सूक्ष्म तरंग, ये तीन प्रकार की विकिरण सूरज से निकलते हैं, यानी कि सन से क्रिएट होते हैं, जो कि पृथ्वी तक वायुमंडल से होती हुए आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक एक को हमें यहाँ पर समझना है दोस्तों। एनवायरमेंट का बहुत महत्वपूर्ण यह पार्ट है। अब यहाँ पर प्रकाश के बारे में पढ़ करके हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी हम इकोसिस्टम में जितना भी हम चीजें देखें, जितने भी जीव देखें, उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और इसी कारण से हमें प्रकाश के बारे में थोड़ा सा चीजें जानना आवश्यक है। देखिए सूक्ष्म तरंग विकिरण के बारे में हम जानते हैं, जो तीसरे नंबर पर हमने यहाँ पर लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म तरंग विकिरण जो होती है दोस्तों, इसके इसमें कौन कौन सी किरणें आती हैं? जैसे कॉस्मिक किरणें, आपने नाम नहीं सुना होगा, कॉस्मिक किरणें क्या कहलाती हैं दोस्तों? जो अंतरिक्ष के बाह्य वातावरण में उत्पन्न होने वाली जो सूरज से उत्पन्न होती हैं किरणें, उनको कॉस्मिक किरण कहा जाता है दोस्तों। यह किरण जो होती है बहुत ही तीव्र लाइट प्रकाश, तीव्र लाइट क्रिएट करती है, कॉस्मिक किरण है। और इसके अलावा दोस्तों एक्स किरणें जो है वो भी सूक्ष्म तरंग विकिरण के अंतर्गत आती है। एक्स किरणों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे एक्स किरणों से ही जो आपका एक्सरा किया जाता है, उसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों पराबैंगनी किरणें, जो कि हमारे समताप मंडल के द्वारा रोक लिया जाता है, और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें बहुत ही अल्प मात्रा में आ पाती है, तो पराबैंगनी किरणें, ये सभी किरणें क्या होती है? सूक्ष्म तरंग विकिरण कहलाती है। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, इन सूक्ष्म तरंग जो विकिरण होते हैं, ये सभी किरण जहां पर हमने ये लिखी है, ये इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो इनका तरंग दैर्ध्य होता है 400 नैनोमीटर से भी कम इनका तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, और इसके अलावा कॉस्मिक रेज का, इनका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से होता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इनका 400 नैनोमीटर से कम ही होता है इन सभी का, ठीक है। और 400 से यदि अधिक हुआ तो फिर वो दूसरी प्रकार की किरणें आपको समझ में आएंगी, वो किरण उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि 400 से जिनका अधिक होता है, ठीक। दृश्य प्रकाश इनका होता है दोस्तों 400 से 700 के बीच में, 700 नैनोमीटर के बीच में इनका तरंग दैर्ध्य, ठीक। तो देखिए दृश्य प्रकाश, ये हम जो सेकंड नंबर पर लिखा है इसके बारे में देखिए, इनका तरंग दैर्ध्य जो है 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। यदि दोस्तों 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक किसी का तरंग दैर्ध्य है, तो वो ये वाली किरणें कहलाएंगी। और यदि 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य आता है, तो वो कौन सी किरणें होंगी? दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आएगा, विजुअल लाइट के अंतर्गत उसको माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो दृश्य प्रकाश होता है, ये प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनकी उपस्थिति में, इस प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो समताप मंडल है दोस्तों, समताप मंडल, ओजोन परत यहां पर पाई जाती है समताप मंडल में। आपको ये जानकारी बहुत पहले से है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है कि यह पराबैंगनी किरणों, जो कि सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन किरणों को अवशोषित कर लेती है, और किरणों को अवशोषित करके उनको वहीं पर रोक लेती है, और खतरनाक ये रेज पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, केवल इनका अल्प भाग ही पृथ्वी पर आ पाता है, जो कि मानव के लिए या जीवों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। यदि सोचिए कि अगर ये ओजोन परत नहीं होती, तो सारी की सारी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी में पशु, पौधे और मनुष्य सभी को विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती, मुख्य रूप से स्किन डिसीजेस से प्रभावित हो जाते संपूर्ण जीव। तो यहां पर याद रखना है, देखिए दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं पराबैंगनी किरणें। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की।
पहला है और किस आधार पर है तीन प्रकार की, तरंग दैर्ध्य के आधार पर परावैगनी किरणों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है परावैगनी किरणों को तरंग दैर्ध्य के आधार पर। पहला है दोस्तों यूवी रे, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक, अल्ट्रा वायलेट रे जो सी, यूवी सी, ठीक है। तो जो सी किरणें होती है अल्ट्रा वायलेट सी, इनका तरंग दैर्ध्य होता है 100 से 280 नैनोमीटर के लगभग, 100 से 280 नैनोमीटर तक इनका तरंग दैर्ध्य होता है। अल्ट्रावायलेट सी जो रेज होती हैं परावैगनी किरणें, 100 से 200 नैनोमीटर इनका तरंग दैर्ध्य होता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा घातक, जो अगर पूछा जाए ना एग्जाम में आपसे, तो सबसे ज्यादा घातक कौन सी किरण होती है? यूवी सी। और दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी परावैगनी किरणें, जो तीन प्रकार की होती है, कौन सी परावैगनी किरणें सबसे ज्यादा घातक होती है, सी ए या बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पर अल्ट्रावायलेट सी, जिनका तरंग दैर्ध्य कितना है 100 से 280 नैनोमीटर। दूसरी परावैगनी किरण है अल्ट्रावायलेट बी, यानी कि सी बी ए, इसी क्रम में है। तो अल्ट्रावायलेट बी जो है इसका तरंग दैर्ध्य कितना है 280 नैनोमीटर से लेकर के 320 नैनोमीटर तक इसका क्या है तरंग दैर्ध्य है। और अल्ट्रावायलेट ए जो किरणें हैं इनका 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक इनका क्या है तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए दोस्तों 400 तक ही जो परावैगनी किरणें हैं, यहां पर ये लिखा है ना कि परावैगनी किरणें इनका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम ही होता है। तो देखिए 400 तक ही इनकी लिमिट है, 400 से ऊपर अगर जाएंगे तो फिर वो दृश्य प्रकाश में जाएगा। और आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में देखने पर दृश्य प्रकाश में 7 कलर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, है ना, बैजानी हपी नारा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ये थोड़ा सा हमने जानकारी एक शॉर्ट में जानकारी प्रकाश के बारे में ली है, क्योंकि हम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि प्रकाश के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़े। हालांकि जो एनवायरमेंट के लिए जो जरूरी है और जिस तरह से जिस एग्जाम पैटर्न पर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल के साथ में जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी तरह से इसका नोट्स तैयार आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यकीन मानना कि हम लोग जो है ना इस तरह से पर्यावरण पढ़ेंगे कि पूरी तरह से एकदम डिटेल के साथ में पर्यावरण हर एक वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स में बिल्कुल उतार लीजिए सेम टू सेम, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।